What's up guys, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to my YouTube channel Pritam Das Vlogs and Songs. फ्रेंड्स, जिस तरह से लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह वीरतंत्र को इंग्लिश में मॉबोक्रेसी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, किसी भी देश की प्रगति के लिए या फिर उन्नति के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए लोकतंत्र का ही ज़रूरत है, ना ही वीरतंत्र की। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि हमारी देश में लोकतंत्र के अंदर वीरतंत्र की अतिक्रमण इस तरह से बढ़ चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इस वीरतंत्र के खिलाफ कुछ फैसले सुनाने में मजबूर बन गए। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे वीडियो देखने से पहले आप अपनी आंख और कान खोल लीजिए और ध्यान से देखिए मैं क्या चीज आपको दिखाने वाला हूँ। आज मेरे ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है जो हर रोज ना जाने कितने टाइम व्हाट्सएप यूज करते हैं। पिछले कुछ महीने के पहले की ही बात है, गुवाहाटी आसाम में एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और जिसके न्यूज़ हर एक न्यूज़ चैनल में दिखाना शुरू हो गया कि आखिर क्या था उस व्हाट्सएप मैसेज में। जी दोस्तों, उस व्हाट्सएप मैसेज में चाइल्ड किडनैपिंग के बारे में बताया गया था। दो लड़कों का फोटो लगा के रखी थी उस व्हाट्सएप मैसेज में और नीचे लिखा गया था कि ये दो लड़का चाइल्ड किडनैपर्स हैं। फिर वो व्हाट्सएप मैसेज पूरी आसाम में रातों रात वायरल हो गया और एक हर एक नागरिक के पास वो व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गया और जिन्होंने भी वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ी थी वो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा था। आसाम में एक मार्केट के अंदर एक भीड़ इकट्ठा हो गई और दो लड़कों को समझने लगे कि यही वो दो लड़का है जिसके बारे में हमने व्हाट्सएप मैसेज में देखा था। वो भीड़ इकट्ठा होके वो दो लड़कों को इतना मारा कि वो दो लड़का उसी जगह पे जान से मर गए। মোৰ দেউতাৰ নাম গোপাল চন্দ্ৰ দাস, মাৰ নাম ৰাধিকা দাস। তো জি হ্যাঁ দোস্ত, জিস তৰহ সে আপনি দেখা কি ৱো দো লড়কো কো উস ভিড় নে ইতনা মাৰ ৰহা থা जबकि वो जान से ही मर गए, जबकि वो हाथ जोड़ के अपनी प्राण की भीख मांग रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि हम लोगों ने कोई भी चाइल्ड किडनैपिंग नहीं की है, बल्कि हम तो आसाम का ही रहने वाले हैं। लेकिन उस भीड़ ने नहीं सुनी और वो उस भीड़ ने उस दो लड़कों को मार गिराया। पिछले साल तमिलनाडु में भी ऐसा एक घटना घटी, एक 60 साल की औरत को एक भीड़ ने घेर लिया और इतना मारा कि वो भी जान से मर गए। 200 से ज़्यादा लोग थे उस भीड़ में जो समझने लगे कि ये जो 60 साल की औरत है ये एक चाइल्ड किडनैपर्स है और भीड़ ने किसी की नहीं सुनी और वो 60 साल की जो औरत है उसको मार दिया। साल 2017 में पश्चिम बंगाल में भी ऐसा घटना घटी, एक मेंटली डिसेबल्ड औरत को एक भीड़ ने इकट्ठा होकर घेर लिया और समझने लगा कि ये औरत चाइल्ड किडनैपर्स है और भीड़ ने किसी की नहीं सुनी, उसको इतना मारा कि वो भी जान से मर गए। ये घटना 2017 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। हाल ही में पश्चिम बंगाल में ऐसा न्यूज़ बहुत फैल चुका था 2017 में, लेकिन ये घटना पूरी पश्चिम बंगाल को हिला कर रख दिया था। कुछ महीने पहले की बात है, राजस्थान जयपुर में ऐसा एक घटना घटी, एक बेचारा वर्कर को एक भीड़ ने इकट्ठा होकर इतना मारा। उस वक्त तो उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन जब उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया उस जगह पे, यानी कि हॉस्पिटल में, उसकी मौत हो गई। उस बेचारे वर्कर की क्या गलती थी, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी, भीड़ मारने लग गया ये समझ के कि वो बेचारा वर्कर भी एक चाइल्ड किडनैपर से, यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकर से, भीड़ ने उसको भी मार दिया। पिछले कुछ महीने पहले तेलंगाना में एक ट्रांसजेंडर को एक भीड़ ने इकट्ठा होकर घेर लिया और समझने लगा कि वो ट्रांसजेंडर भी एक चाइल्ड किडनैपर्स है। भीड़ ने इकट्ठा होकर उसको मारना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने जाके उस ट्रांसजेंडर को रेस्क्यू किया और वो जान से बच गए। तो मुझे माफ़ करना दोस्त, आपको ये वीडियो मुझे मजबूरन दिखाना पड़ा। वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि वन डेथ इज ए ट्रेजेडी बट अ मिलियन डेथ इज ए स्टैटिस्टिक्स। मैं अगर आपको कह देता कि ये फेक व्हाट्सएप न्यूज़ के वजह से 50 से ज़्यादा लोग हर महीना मर रहे हैं इंडिया में, तो वो एक डेटा बन के रह जाता। तो मुझे एग्जांपल लाना पड़ा आपको समझाने के लिए कि कितना सीरियस इशू अब बन चुका है। व्हाट्सएप न्यूज़ के वजह से जितने भी सारे भीड़ इकट्ठा होकर किसी को जान से मार देते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉब लिंचिंग। और ये मॉब लिंचिंग की घटना अब सारे के सारे लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। कितनी आसान हो चुका है हमें बेवकूफ़ बनाना। एक फेक व्हाट्सएप न्यूज़ के कारण से लोगों की जाने जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं।
कल आपको कैसा लगेगा कि मैं आपकी एक फ़ोटो लेके उसको फोटोशॉप करके नीचे लिख देता हूँ कि आप एक मॉलेस्टर हो, आप एक रेपिस्ट हो, आप एक चोर हो, डाकू हो, तो आपको कैसा लगेगा? तब आपको कैसा लगेगा जब आपकी फेक व्हाट्सएप न्यूज़ के कारण से 4-5 गुंडे आपके घर में आ जाएंगे और आपको बेरहमी से मारेंगे आपके बीवी बच्चों के सामने। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, ऐसा ही कारनामा हो रहा है पूरे देश में। एक फेक व्हाट्सएप न्यूज़ के कारण से लोगों की जाने जा रही हैं। मॉब लिंचिंग की घटना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप भारत में ही होने लग रहा है। आप एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखो मैं जो आप दिखाने वाला हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि एक चाइल्ड एक बच्चे को किडनैप करके किसी ने लेके गया। दरअसल ये झूठ है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, ये एक चाइल्ड किडनैपिंग के वीडियो बोल के। दरअसल ये झूठ है, ये एक पाकिस्तान का एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पे चाइल्ड किडनैपिंग के बारे में अवेयरनेस फैला रहे थे लोगों के बीच में। अब समझ सकते हो कितना आसान हो चुका है हमको बेवकूफ़ बनाना। ऐसा वीडियो वायरल हो जाते हैं और हम आँखें बंद करके ये सारे के सारे वीडियो के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं। कितनी आसान हो चुका है हमें बेवकूफ़ बनाना। एक फेक व्हाट्सएप न्यूज़ के कारण से लोगों की जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। तेलंगाना में 5 ऐसे केसेस आ रहे थे, जब तेलंगाना पुलिस ने भी कुछ नहीं कर पाया, तेलंगाना पुलिस का भी अनकंट्रोल्ड हो गया सिचुएशन था। तेलंगाना पुलिस ने एक गाना लॉन्च कर दिया पब्लिकली ताकि पब्लिक समझ जाए कि फेक व्हाट्सएप न्यूज़ फॉरवर्ड करना कितना डेडली बन चुका है। पहले क्या होता था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करने के लिए RTSL वालों ने फेक व्हाट्सएप न्यूज़ बनाता था ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को डिफेम कर सके या फिर लोगों के बीच में धर्म के मामले में डिफरेंसेस बांट सके। लेकिन इसमें तो कोई भी RTSL का हाथ नहीं है, ये तो आप लोग ही अपने जाल में फंसे जा रहे हो। तो हम करें तो क्या करें, हमको ये फेक व्हाट्सएप न्यूज़ फॉरवर्ड करना बंद करना पड़े और बस आंखें बंद करके किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को बिलीव करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप किसी के भी फ़ोटो लगा के रखा है और नीचे लिखा गया है कि ये एक मॉलेस्टर है या फिर ये एक चाइल्ड किडनैपर या फिर ये एक रेपिस्ट है, बस उसको बिलीव करना बंद कीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो या फिर मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पर आप जान सकते हो कि किस तरह से हम फेक व्हाट्सएप न्यूज़ को जस्टिफाई करें। ऐसे बहुत सारे ट्रस्टेड वेबसाइट हैं जहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि ये न्यूज़ कितना जेन्युइन है या फिर ये न्यूज़ कितना फेक है। तो जब तक वो वीडियो बन नहीं जाता है तब तक मेरे ये वीडियो को आप शेयर करो, इतना शेयर करो कि इंडिया में हर एक व्हाट्सएप यूज़र्स के पास पहुँच जाएँ। आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और ये फेक व्हाट्सएप न्यूज़ फॉरवर्ड करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी एक अच्छी कदम कल हमारे देश को आगे ले जाने में मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।